नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आदमी और उसके एक ही दिन पैदा हुए दो बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता की आयु और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, तो पिता की आयु क्या है। उसने कहा है कि एक पिता है, उसके दो बेटे हैं, और दो बेटे कैसे हैं, जुड़वा हैं, क्योंकि वो एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो उनकी औसत आयु है 30 वर्ष, और उनका अनुपात दिया है पिता और पुत्र, इनका अनुपात दिया है क्या है, 5:2। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो पिता हैं उनकी आयु है 5x और जो पुत्र हैं उनकी आयु है 2x, और दूसरा जो पुत्र है उसकी भी होगी 2x क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। अब उसने कहा है कि इन तीनों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। पिताजी की आयु 5x, पहले बेटे की आयु 2x, दूसरे बेटे की आयु 2x, व्यक्ति हो गए 3, तो 3 का भाग लगा देंगे और एवरेज है 30, तो बराबर में 30 लिख देंगे। अब 3 यहां पहुंच जाएगा और 5 और 2 7 और 2 9, 9x = 90 हो जाएगा, तो x = 10 निकल के आएगा। 9 से काटेंगे, 9 × 90, तो x की वैल्यू 10 हो गई। तो उसने पूछा है तो पिता की आयु क्या है, पिता की आयु कितनी है, 5x। पिता की आयु बराबर है 5x, x की वैल्यू रखेंगे 10 और 10 पना होता है 50, तो पिताजी की आयु कितनी निकल के आई, पिताजी की आयु निकल के आई 50 वर्ष। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, जो अनुपात दिया है उस रेशियो से हमने आयु मान ली है तीनों की, तीनों का औसत निकाल के 30 के बराबर कर दिया, x का मान लिया, x का मान यहां रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।